अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कौटिल् के बारे में उनके आर्थिक विचारों के बारे में उनके एमसीक्यू करे थे अभी नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा दादा भाई नौरोजी इसके एमसीक्यू करेंगे डायरेक्ट देखिए ये जो मेरे पास मॉडल है ये अतुल का मॉडल है इसमें ज़्यादा कुछ क्वेश्चन फालतू के क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे रखे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है तो मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे आपको बस दो तीन दफ़ा वीडियो बार बार देख लेना है अगर याद कर सके तो हाथ के हाथ याद करते हुए चलना है वीडियो को रोक रोक के तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये क्या है एक किताब का नाम है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ठीक है तो क्या कह रहा है नामक पुस्तक के लेखक है ये बात तो इस पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति का जनक माना जाता है जो भारत में राजनीति न उसका जनक किसको माना जाता है तो वो माना जाता है दादा भाई नौरोजी को ठीक है नेक्स्ट भा आधुनिक भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है आधुनिक यानी कि जो मॉडर्न एज में जो चल रहा है ना भारतीय अर्थशास्त्र का भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है किससे माना जाता है दादा भाई नौरोजी को नेक्स्ट है ड्रेन ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे एक थ्योरी थी जिसे किसने जिसके प्रतिपादक कौन थे दादा भाई नौरोजी नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे देखो लंडन में जब दादा भाई नौरोजी रह रहे थे तो उन्होंने लंडन में ही एक सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम रखा था लंडन इंडियन सोसाइटी और उसके संस्थापक हम किसको कहेंगे संस्थापक यानी कि जनक फादर कह सकते हैं तो वह है दादा भाई नौरोजी और उनके एक साथ के थे मित्र थे डब्ल्यू सी बैनर्जी ये वही क्वेश्चन आ गया ब्रेन ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे तो देखो ब्रेन ड्रेन थ्योरी के प्रतिपादक थे दादा भाई नौरोजी नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश में संसद थी वहाँ के जो पहले भारत के जो पहले व्यक्ति थे जो वहाँ पे संसद में चुने गए थे है नी यानी कि सांसद है ना यानी कि एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे कौन थे तो वो थे दादा भाई नौरोजी नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके दूसरे अध्यक्ष कौन थे तो वो थे दादा भाई नौरोजी राष्ट्र आय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय थे देखो जो राष्ट्र आय होती है ना जो एक देश की आय होती है उसकी गणना करने वाले प्रथम भारतीय भारतीय मतलब वो व्यक्ति जो भारत का वो पहला व्यक्ति जिसने राष्ट्रीय की गणना की है है ना भारत में एक टाइम पे भारत मतलब इनसे दादा भाई नोरोजी ने की थी लेकिन दादा भाई नोरो से पहले भी भारत में एक गणना की थी है ना लेकिन वो भारतीय नहीं थे तो यहाँ पर हमसे पूछा है प्रथम भारतीय कौन थे तो वो थे दादा भाई नोरोजी नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से किसे जाना जाता है मतलब देखो ये क्या है एक नाम है एक व्यक्ति का जिसको एक कह सकते हैं एक उपनाम दे देते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या नाम दिया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इस नाम से किसे जाना जाता है तो भाई किसे जाना था दादा भाई नौरोजी को दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किए गए अखबार का क्या नाम था तो इन्हों के जो अखबार था ना दादा भाई नौरोजी ने जो शुरू किया था उस अखबार का नाम था वॉइस ऑफ इंडिया नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है तो देखो अभी हमने पढ़ा था इसमें है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नोरोजी की किताब है इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम किसने सुझाया था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दादा भाई नोरोजी ने सुझाया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी ना उसके संस्थापक कौन थे उसके थे दादा भाई नोरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी है ना स्थापना हुई कब हुई थी तो वो हमें पता है एट्टीन में हुई थी 1866 में हुई थी है ना नेक्स्ट है दादा दादा भाई नोरोजी का जन्म हुआ था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आएगा हंड्रेड परसेंट आएगा देख लें इसको दादा भाई नोरोजी का जन्म हुआ था चार सितंबर अठारह सौ पच्चीस को कब हुआ था तो चार सितंबर अठारह सौ पच्चीस को नेक्स्ट है द व्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है किसने लिखी है तो दादा भाई नोरोजी ने लिखी है किताब का नाम याद रखें द वॉन्ट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया दादा भाई नोरोजी ने लिखी नेक्स्ट है दादा भाई नोरोजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है है ना ये जो चार कथन दे रखे हैं इनमें से कौन सा कथन सत्य है कौन सा गलत है ये बताना है तो पहला है वे अठारह में बड़ौदा के प्रधानमंत्री थे ये कथन सही है वे मुंबई के एल्फिन स्टोन कॉलेज में प्रोफेसर थे ये भी कथन सही है वे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे ये भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि आंसर डी प्रवाह या फिर निर्गम है ना प्रवाह या फिर निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया किया था तो भाई देखो दादा भाई नौरोजी ने किया था दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन बे, के हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य कब चुने गए थे है ना वो ये वही कह रहा है दादा भाई नोरोजी जो ब्रिटेन बि में जो था ना हाउस ऑफ कॉमन उसके सदस्य कब चुने गए थे तो हमसे डेट पूछ रहा है तो वो एटीन नाइनटी टू नेक्स्ट है दादा भाई नोरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में निम्न में से किसका समावेश किया है यानी कि इन जो चार बातें दे रखी है ना इनमें से किस चीज़ का किस चीज़ को उसमें जोड़ा है तो पहला है भारत में अंग्रेजों के शोषण का तर्कपूर्ण विवेचन जो भारत में जो अंग्रेज आए थे ना जो गरीबों का शोषण करते थे उनसे कम पैसे दे के उनसे जो ज़्यादा काम करवाते थे उसका तर्कपूर्ण विवेचन किया है भारतीय वित्त की समस्याओं का वर्णन किया है निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ये करा ना देखो एक क्वेश्चन ये ये वाला प्रवाह या फिर निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो किसने किया था दादा भाई नौरोजी ने और निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी कि डी हाँ तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अभी आपको किसी के थ्रू ये शेयर करके मिला है या कैसे मिला है नहीं जानता लेकिन आपके पास ख़ुद नोटिफिकेशन आएगा चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़